हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बैंगलोर से आने के बाद मैं चला गया था होम क्वारंटाइन में, और 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहने के बाद आज निकला हूँ। सोचा चलो वीडियो शूट कर लिया जाए, क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि वीडियो कब आएगा। तो मैं सोचा चलो एक वीडियो शूट कर लेता हूँ आज। और सुबह सुबह आज का मौसम बहुत 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 बढ़िया है, तो मैं सोचा चल कर के आज वीडियो शूट कर लेते हैं। और देख सकते हो क्या सही लोकेशन है भैया, सभी लोग घूमने निकले हैं यार, बहुत सही प्लेस है। योगा चल रहा है इधर, अगर मेरे पास ड्रोन रहता ना तो भी यहाँ एक नंबर ड्रोन शॉट आने वाला था। ये साइड से सूरज निकल रहा है, इधर भाई अंकल लोग योगा करते हुए, और आगे है आउटर रिंग रोड। आउटर रिंग रोड चलते हैं, वहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं, अल्टीमेट व्यू है। इसी आउटर रिंग रोड से आप अगर लेफ्ट साइड, मेरे लेफ्ट साइड हैंड के लेफ्ट साइड चले जाओगे तो उधर है महेंद्र सिंह धोनी का घर, वो भी मैं किसी वीडियो में दिखाऊंगा, बट आज नहीं, क्योंकि वो यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर है, तो मैं उतना आगे जाने वाला नहीं हूँ। तो मैं आसपास में इधर ही चलता हूँ, इधर घूम करके आपको दिखाता हूँ, और बहुत सारे बातें भी करनी है। और ये है मेरे साथ बुलेट, आज मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ बुलेट में, और अभी जितने भी मोटो ब्लॉग्स आने वाले हैं इसमें ही आने वाले हैं। सो लास्ट पोस्ट मैंने डाला था यूट्यूब में, और आप लोगों से पूछा था कि बताओ मैंने कौन सा मोबाइल लिया है, गेस करो। तो अच्छा 200+ लोगों ने वोट किया उस पर, जो सबसे ज़्यादा वोट गया है वो है OnePlus 8 Pro पर, 47 या 48% के आसपास वोट मिला है उसको। उसके बाद आता है iPhone 11, देन OnePlus 8, फिर iPhone SE। तो चलो iPhone SE और OnePlus 8 को अलग कर देते हैं। अब बचा OnePlus 8 Pro एंड iPhone 11। तो जिस लोगों ने इन दोनों मोबाइल को वोट किया, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसने iPhone 11 को वोट किया है और किसने OnePlus 8 को वोट किया है। चीटिंग नहीं करना है, अभी तुरंत पॉज करो वीडियो और नीचे जाकर कमेंट करके बताओ। जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं बता देता हूँ कि मैंने कौन सा मोबाइल लिया है। बताता क्यों हूँ, चलो अनबॉक्सिंग देख लो, छोटा सा अनबॉक्सिंग किया है। तो हाँ, मैंने iPhone 11 ले लिया। मैंने बहुत रिसर्च किया तो मुझे iPhone 11 बेस्ट लगा iPhone 8 से, क्योंकि प्राइस सेम ही था iPhone 8 Pro का और OnePlus 8 Pro का और iPhone 11 का। तो मैंने सोचा iPhone के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास है MacBook, तो मुझे डेटा ट्रांसफ़र करने में आसानी होगा MacBook से iPhone और iPhone से MacBook में। और ये देख सकते हो क्या खूबसूरत इधर पहाड़, हरा भरा खेत, छोटे छोटे घर, और एक खूबसूरत सा सड़क जिसमें मैं अपने बुलेट से राइड करते हुए सुबह के 7 बजे राइड का मजा लेते हुए। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि भैया आपने जॉब क्यों छोड़ दिया, आपको कंपनी ने क्यों निकाल दिया, आप वहीं रुक जाओ, जॉब सर्च कर लो, आपको जॉब मिल जाएगा, बेंगलोर मत छोड़ो प्लीज़, ऐसे ऐसे कमेंट्स आए थे। तो एक्चुअली मैंने जॉब नहीं छोड़ा है। आप लोगों को लग रहा है कि मैंने, मुझे कंपनी निकाल दी या मुझे फायर कर दी या मैं कंपनी छोड़ करके अपने घर जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कंपनी ने नहीं निकाला है, ना मेरी जॉब गई है। हुआ क्या है, पहले मैं बता देता हूँ मेरा कंपनी कौन कौन से लोकेशन पे है। सो मेरी कंपनी गुड़गांव में है, नोएडा में है, पुणे में है शायद, अभी खुली है, कोची में है और बेंगलोर में है, मतलब 5 जगहों पे मेरी कंपनी है। तो अभी मैं जिस टीम में था वहाँ का प्रोजेक्ट हो चुका था डन, मतलब उस टीम में अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें मैं काम कर सकूँ, और मुझे एक दो प्रोजेक्ट मिल रहा था बेंगलोर में जो मुझे पसंद नहीं था, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी नहीं। और ये देखो यार, तो मतलब मेरे बात को भी सुनना और इधर भी इंजॉय करते रहना तो ज़्यादा मजा आएगा, बोरिंग नहीं लगेगा।
तो मुझे वहाँ का प्रोजेक्ट पसंद नहीं आ रहा था। फिर मुझे कॉल आया अपने दूसरे टीम, मतलब दूसरे लोकेशन नोएडा से, मुझे उसका प्रोजेक्ट अच्छा लगा, टेक्नोलॉजी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चलो कुछ दिन नोएडा में भी रह लिया जाए। अब मुझे जब भी, अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट जब भी मुझे कंपनी ओपन होती है और मुझे रिपोर्ट करना होगा, तो मुझे वो नोएडा लोकेशन को रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि मेरी सारी टीम जो है अभी न्यू जो टीम है वो नोएडा बैठती है, क्योंकि अभी जहाँ भी प्रोजेक्ट मिल रहा है, ये सच बात है, अभी जहाँ भी प्रोजेक्ट मिल रहा है आप प्रोजेक्ट ले लो। ज़्यादा पैतरा दिखाने का जॉब नहीं है कि मुझे ये यहाँ काम करना है, मुझे बेंगलोर में ही रहना है, मुझे इसी टेक्नोलॉजी पे काम करना है। मैंने स्टार्टिंग में यही किया था कि मुझे इस टेक्नोलॉजी पे काम करना और बेंगलोर में काम करना है, बट सिचुएशन अभी ऐसा है कि आपकी जॉब जा सकती है, कोविड के वजह से जॉब लिटरली जा सकती है। बहुत लोगों का, मेरे ऐसे कुछ दोस्तों में भी हुआ है जिसकी जॉब चली गई है, कुछ लोगों का अनपेड लीव है। अनपेड लीव मतलब कि कंपनी ने बोल दिया आप 2-3 महीने छुट्टी लेकर के घर पे बैठ जाओ, जब सिचुएशन ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाना काम पर। एटलीस्ट मेरी कंपनी ये सब नहीं कर रही है, मेरी कंपनी फुल सैलरी दे रही है। बहुत सारी कंपनी तो आधी सैलरी काट ले रही है, मेरी कंपनी फुल सैलरी दे रही है, प्लस इंटरनेट चार्ज और भी, मतलब हर फैसिलिटी अभी भी दे रही, कुछ भी कम नहीं हुआ है, कुछ भी कट ऑफ नहीं की है कंपनी। तो इतना तो बनता है कि अभी अगर मुझे प्रोजेक्ट भी अच्छा मिल गया तो चलो यार नोएडा ही चले जाते हैं। तो आगे के जितने भी ब्लॉग्स आएंगे, अभी तो रांची के आएंगे, इतने अच्छे अच्छे व्यूज देखने के लिए मिल रहा है यार। नेक्स्ट में महेंद्र सिंह धोनी का घर दिखाने वाला हूँ, फिर नेत्रहार जाने वाला हूँ, बहुत सारा मस्ती आने वाला है, मस्ती ब्लॉग्स आने वाला है। अगर यहाँ से मैं 3-4 किलोमीटर और आगे चला जाता हूँ तो शायद महेंद्र सिंह धोनी का घर आ जाएगा, क्योंकि मनातू के बाद ही उनका घर है। बट वो कभी किसी और ब्लॉग पे दिखाएंगे, क्योंकि कंटेंट जरूरी है भैया। अगर मैं सारा एक ही वीडियो में दिखा दूं तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखोगे, इसलिए अभी के लिए उसको होल्ड में रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा महेंद्र सिंह धोनी का, भैया योगा करते हुए, मजे करते हुए। तो जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो मैं चांसेस है कि मैं महेंद्र सिंह धोनी के घर का मतलब जाऊं, घर का नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि घर में जा करके चाय पी रहा हूं, बाहर से आपको दिखाऊं उनका पहले वाला घर और अभी जो नया घर बना है, हर में पहला घर था और अभी नया घर जो बना है उसको। यहाँ थोड़ी देर रुकता हूँ क्योंकि यहाँ का जो हरियाली है वो अलग ही है। यहाँ अपने बाइक का एक फ़ोटो लेता हूँ और इंस्टाग्राम में अपलोड होगा, तो इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, ठीक है। और कहीं रुक करके फ़ोटो लिया जाए, इसी जगह रुक जाते हैं। आंटी देख रही है कि भाई ये क्या लगाया हुआ है मुँह में, हेलमेट में ये क्या फंसाया हुआ है। आंटी बहुत टेंशन में आ गई है, अभी भी ये देख सकते हो क्या खूबसूरत व्यू है। तो होप करता हूँ कि आपका सारा डॉट्स क्लियर हो गया होगा। तो बस इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, अगर और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मन है तो, नहीं तो फिर से देखने आ जाना। तब तक के लिए बाय बाय, और ये गाय गाय, और ये पाई पाई, बाय बाय।